नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष नाहके और मेरी इस यूट्यूब चैनल संतोष नाहके में आपका स्वागत है। तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज हम बात करेंगे COVID-19 की और उसकी त्रासदी की। तो आप लोग देख रहे समाचार में, न्यूज़पेपर में, चारों ओर आपके चारों ओर गवर्नमेंट, जो हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार हमें बोल रही है कि सावधान रहो, डिस्टेंस मतलब सोशल डिस्टेंस रखो, दूरियाँ रखो, तो मास्क यूज़ कीजिए। मतलब ये मार्च से 2000 अभी मार्च महीने से ये सब कुछ हो रहा है और हम इससे बहुत परेशान हो चुके हैं। तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोग स्थलांतरण कर रहे हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं। लोग जो है वो भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो आपने देखा होगा समाचार में भी, और मतलब इसमें भी क्या हो रहा है ना, मतलब नेता जो राजनीति हो रही है, दो पार्टियां, तीन पार्टियां लड़ रही है बीच में। मजदूर जो है, लेबर जो काम करने वाले हैं, वो मर रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? मतलब ये जो ये हो रहा है, लोग मर रहे हैं, उनको बचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे लोग उनको वैसे ही छोड़ दे रहे हैं। अब बहुत सारे मजदूर जो है, पूरे के पूरे मजदूर जो स्थलांतर किए हैं उन्होंने, तो उनका कहना है कि वो घर जाएंगे। अब गवर्नमेंट जो है वो बोल रही कि आप घर जाओगे तो जो COVID-19 है वो और फैलेगा। तो आप शेल्टर होम में रहो, उनको क्वारंटीन किया गया है। मतलब एक जगह है वहां पे रुको, वहीं पे 15 दिन रुको और वहीं पे आपका इलाज होगा अगर COVID-19 के आप शिकार हुए तो। पर वहाँ पर भी त्रासदी है, उनको खाने के लिए, पीने के लिए सुविधाएं नहीं है, इसलिए वहाँ से वो भाग रहे हैं। मतलब ये फ्यूचर है, आप सोचिए फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो अभी जो हुआ है वो आगे में भी होगा ही। अब ऐसा तो नहीं थी कि COVID-19 अभी आ गया, बाद में नहीं आएगा, बाद में भी आ सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है। पर एक बात तो है कि इस तरीके की जो त्रासदी है ये आगे में होती रहेगी। तो अब जल स्तर बढ़ रहा है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है ना, वहां के लोग सुरक्षित जगह पर आ रहे हैं। सुरक्षित जगह पर आने से स्थलांतर बढ़ रहा है और एक जगह की जो लोकलिटी है, लोकल लोग है, वो बढ़ रहे हैं। सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, तो उससे भी हमें बहुत तकलीफ होने वाली है। तो आगे में ऐसा होते ही रहना है। पर्यावरण, अब अभी देखा होगा आपने तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में अम्फान नाम का तूफान जो आया, उससे बहुत बड़ी त्रासदी हुई। अब 72 लोग मरे हैं, 27 लोग मरे हैं और बहुत जान माल का भी नुकसान हुआ है। तो ओडिशा में भी हुआ है। अब ओडिशा के इसके पहले भी वहां तूफान आया था, वहां के लोग दिल्ली, गुजरात, बम्बई गए, वहां के लोग जगह छोड़कर वहां पे गए, अपने घरदार छोड़कर। अब यहां से वो वापस जाएंगे, मतलब वो लोग जो है वो आराम से रह नहीं सकते। तो आप क्या सोचते हैं, आप मतलब आपका नजरिया इसकी और किस तरीके से है? अगर आप विद्यार्थी तो सोचिए। अब आप भी इस आप बड़े हो जाओगे तो फिर आप जॉब के लिए जाओगे, तो क्या आपके साथ ऐसा नहीं होगा या होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, तो हमें पर्यावरण को बचाना है। तो अब बहुत सारे लोग इन मजदूरों को मदद के लिए आ गया है, मजदूरों की मदद करने के लिए आ गया है। हम देखते समाचार में, कोई खाना खिला रहा है, कोई शूज चप्पल दे रहा है, कोई दवाई दे रहा है, कोई पैसे दे रहा है। जिनके पास पैसा है वो पैसा दे रहे हैं। तो ये आगे में ऐसा है, चलता रहेगा। तो जो मदद कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने भी मदद करना चाहिए, आपसे जितनी हो सकती है उतनी मदद करना चाहिए। तो वो सभी मजदूर आप अपने घर जल्दी पहुंचे, यही कामना है।